तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। पहले देख लेते हैं एज यूजुअल कि हमने कल क्या प्लान किया था, राइट? बिकॉज प्रीवियस एनालिसिस करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप लोग यहाँ पे इस एक्सपायरी स्पेशल में कुछ नया ही सीख के जाएंगे, राइट? पहले यहाँ पे देख लेते हैं मैंने आप लोगों को कल क्या कहा था कि अगर ये वाला जो लाइन है 38,000 के वाला, ठीक है, 38,000 के पास अगर आपको कहीं पे भी अगर मार्केट नीचे मिलेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय करेंगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड 38,400 तक हमारा यहाँ पर टारगेट रहेगा, ठीक है। और लेकिन 38,200 यहाँ पे 38,200 भी हमने यहाँ पे था कि कल की जो क्लोजिंग थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वहां तक हमें मार्केट नीचे रेंज में यहाँ पर मिलेगा, राइट। अब यहाँ पे हुआ क्या, सुबह सुबह मॉर्निंग में हुआ क्या, मॉर्निंग में यहाँ पे देखो क्या हुआ कि मार्केट ने क्या हुआ, डिप दिया। स्टार्टिंग में जैसे ही डिप दिया यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कैंडल जैसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड 38,000 के यहाँ पे गई तो मैंने आप लोगों को कल क्या कहा था कि एक रिस्क लेना है। मैंने एक ओवरनाइट पोजीशन होल्ड की थी जहां पे मुझे स्लाइट रिस्क हो रहा था, बट मैंने जैसे देखा 38,000 है, मैंने एक स्लाइट रिस्क लिया, मैंने यहाँ पर 38,000 की कॉल बाय किया और मैंने ये वाली रैली पूरी कैच अप कर ली इन माय पर्सनल पोर्टफोलियो, राइट। उसका प्रॉफिट अगर आप देखना चाहते हो तो नीचे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन का लिंक है, वहां पर आके आप देख लो। लेकिन यहां पर मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, अगर आपके पास प्री स्ट्रेटजी है तो वेल एंड गुड है, तो ही आप 9:15 से 9:10 o'clock तक का मार्केट अटेम्प्ट करो। अगर स्ट्रेटेजी नहीं है तो वेट फॉर दी डायरेक्शन, ठीक है। तो चलिए अब हमारे पास ये रेंज मिल गई है, हमारे पास ऊपर के रेजिस्टेंस है और ये 38,500 का मैं रेजिस्टेंस अभी नहीं ले रहा क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने अगर तोड़ दिया है तो उसकी जो मुंह दिखाई है, जो 38,000 की मुंह दिखाई अगर वो हो चुकी है तो हम लोगों को यहाँ पे उसको भरपाई भी करनी पड़ेगी। तो हमारे पास अभी कहीं नया आ गया है 37,700-800 ले लेते हैं यहाँ पे क्योंकि 800 के यहाँ पे नीचे हमें मार्केट देखने नहीं मिला, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, अब मार्केट ये ऊपर से बहुत हैवीली करेक्ट हो चुका है, ठीक है। हैवीली करेक्ट होने के बाद क्या होता है कि मार्केट हमेशा एक साइडवेज हो जाता है, तो अभी ये मार्केट साइडवेज है लेकिन इतना सही मोमेंटम है कि यहाँ पे हमें 100-100 पॉइंट्स का मोमेंटम देखने मिल रहा है, वो भी साइडवेज में। तो हमारा कल का स्ट्रेटेजी क्या रहेगा कि मार्केट में सेल ऑफ अभी खत्म नहीं हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बोल रहा हूँ कि अभी सेल ऑफ खत्म नहीं हुआ। अगर जैसे मार्केट यहाँ पे 38,000 को अभी इसने रिस्पेक्ट दिया तो मतलब 38,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर कल मॉर्निंग में क्या होता है कि मार्केट स्लाइट भी 38,000 के नीचे खुलता है और वो 5 मिनट नीचे दे देता है, 5 मिनट नीचे दे दिया तो हम लोगों को क्या करना है, वापस से हमें यहां पर 37,800 का अटेम्प्ट लेना है। कितना, सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट का एसएल, मतलब 50 पॉइंट का एसएल और 37,800, मतलब 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा यहाँ पे बहुत अच्छा जाएगा अगर वहां पर खुलता है। लेकिन अगर लेट सपोज कि मार्केट अगर ज्यादा ही नीचे खुलता है, ठीक है, यहाँ पे आप बात करते हैं अगर ये वाले लेवल पे खुला तो मैं यहाँ पे एक बाइंग रिकमेंडेशन दूंगा, लेकिन अगर बीच में कहीं मिल रहा है तो अटेम्प्ट करने की कोशिश भी मत करना क्योंकि एक्सपायरी है, अगर कल की एक्सपायरी पे खेलोगे तो प्रीमियम घिस जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पर क्या है कि हमें यहाँ पे डायरेक्ट या तो इस लेवल पे लेना है 37,800 या तो हम 38,000 पे ही ट्रेड करेंगे, उसके सिवा नहीं करेंगे। लेकिन अगर सपोज करो कल मार्केट गैप अप खुल जाता है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है और 38,200 के आसपास कहीं पे मिलता है मार्केट हमें, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट शॉर्ट करेंगे, मतलब पुट शॉर्ट नहीं मतलब हम यहाँ पे पुट इनिशिएट करेंगे, पुट इनिशिएट करेंगे यहाँ पे स्लाइड कितने का, हल्का सा 50-60 पॉइंट का एसएल, 38,250 का एसएल और 38,000 के री अटेम्प्ट का हम यहाँ पे टारगेट लेंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और ये 38,000 का बेस बनता है तो हमें यहाँ पर एक यहाँ पे मस्त एकदम वॉलेटाइल डे यहाँ पर देखने मिल सकता है, राइट। बीच में कभी भी मार्केट को अटेम्प्ट नहीं किया जाता, 2-4-50 पॉइंट के लिए अटेम्प्ट कभी नहीं किया जाता है, वहां पे मोस्टली लोग क्या करते हैं, न्यू फ्रेश वाले आते हैं वहां पर लॉस कर देते हैं, राइट। तो अगर कभी भी अटेम्प्ट करना है तो उसको सपोर्ट पे ही बाय करो या रेजिस्टेंस ही सेल करो। ये चीज पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे पहली बार आया है सब्सक्राइब करो। कल का अगर नहीं सेटअप देखा तो जाके देखो कि मैं आप ही के लिए वीडियो बनाता हूं, राइट, आप ही कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए आए हैं तो लाइक जरूर कर देना। अब यहां पे क्या हुआ, मार्केट में निफ्टी 50 में क्या हुआ, मार्केट काफी ब्रेक हो गया, राइट। अगर आप लोगों ने मेरे कुछ दिनों पहले की वीडियोस देखी होगी कि ये देखो यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पे ये देखो ये जो गैप फिलिंग पेंडिंग थी वो गैप फिलिंग हो गई है यहाँ पर, ठीक है। मार्केट ने अब उससे पहले क्या किया, जैसे ही ये वाला लेवल तोड़ा था, अगर आप लोगों ने पिछले एनालिसिस देखा होगा कि जैसे ही उसके नीचे क्लोजिंग आएगी हम लोग वहां पर सेल करेंगे, तो वहां पर सेल हुआ, वहां पर टारगेट अटेम्प्ट हुआ। अब यहाँ पर मार्केट ने कहाँ पर सपोर्ट लिया है, 17,900। तो हम यहाँ पर अब इसको स्ट्रेटेजी पे अटेम्प्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो क्यों एकदम एग्जैक्टली ये वाला है, अभी भी ये वाला जो लेवल है यहाँ तक हमें एक 17,800 के हमारे लिए रोड खुल चुकी है, मतलब डाउनसाइड और ओपन हो चुकी है। तो अब यहाँ पे सिंपल कैसे अटेम्प्ट करना है मार्केट को, लेट्स सी।
ठीक है, अगर कल मार्केट क्या खुलता है, फ्लैट खुलता है, अगर मान लो फ्लैट खुलता है ठीक है, तो यहां से बहुत ही पास में है ये 18,000, ये है 18,000, मैं आप लोगों के लिए मार्क कर दे रहा हूं, ये 18,000, तो हमें यहां पे क्या है, ये 18,000 भी एक हमारा ऐसा सपोर्ट बन जाएगा। अगर 18,000 के पास मिलता है और देखते हैं कि मार्केट सस्टेन करता है, अगर नहीं करता है, अगर नहीं करता है तो 18,000 पे आके हमें 17,900 का या 18,000 का ही हमें यहाँ पे क्या है, पुट इनिशिएट करना। अगर फ्लैट खुलता है तो अटेम्प्ट ना करे, दिस इज माय एडवाइस, या तो फिर नीचे आने दे। कहां पर आने दे, 17,900 अगर यहां कहीं पे भी बार बार सस्टेन करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भागेगा, जब तक रिवर्सल के साइन नहीं होंगे और वो प्रॉपर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ खेलना है कल, क्योंकि अगर कल स्टॉप लॉस के साथ नहीं खेला तो लॉस होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो अगर 17,900 के पास अगर मार्केट टिका टिका है तो हमें एक शार्प फॉल वापस से यहाँ पे नीचे देखने मिल सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे मार्केट अभी क्वाइट वीक हो चुका है इसकी वजह से। अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खुलता है तो अभी भी यहाँ पर शॉर्टिंग साइड है, क्योंकि 18,000 अगर कल का वीडियो में भी मैंने यही बोला था कि 18,000 तोड़ेगा तो ही मैं यहाँ पे शॉर्टिंग की साइड लूंगा, तो इसलिए मोमेंटम के साथ मैं जाऊंगा, मार्केट ट्रेंड है, मैं भी ट्रेंड के साथ ही जाऊंगा। तो अगर 18,000 के पास भी मिलता है तो शॉर्ट, अगर नीचे कहीं पे ये वाले लेवल पे मिलता है तो ही मैं बाय करूंगा, अगर फ्लैट खुलता है तो मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करूंगा, या तो ऊपर जाने दूंगा या तो नीचे जाने दूंगा, बीच में मैं ट्रेड नहीं लूंगा। राइट, ये चीज पसंद आई होगी तो लाइक करें, क्योंकि सिर्फ एनालिसिस सिर्फ आप लिख के भी रखोगे ना, लिख के भी रखोगे ना तो भी आपको वहां का उस चीज का बेनिफिट मिलेगा। राइट, क्योंकि काफी सब मेरे को कमेंट आते हैं कि पर्सनली कि काफी बेनिफिट मिला। यहाँ पर मैं टाटा कंज्यूमर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपको कल किया था कि एक शायद चांसेस है बाउंस बैक का, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक हो चुका है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, तो अब हमारा यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें ये टाटा कंज्यूमर हमें वापस से 700 पे यहाँ पर बाय देखने मिलेगा। अगर जिन लोगों को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो यहाँ पर ये वाला पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं, दिस इज द राइट टाइम डू SIP। राइट, आई होप आप लोगों को ये चीज पसंद आई होगी, ये एनालिसिस पसंद आ रहा होगा, तो अगर पसंद आ रहा होगा तो डू लाइक दिस वीडियो, टारगेट है 30 लाइक्स, ज्यादा नहीं है सिर्फ 30 लाइक्स, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, एंड कोई सा भी डाउट है तो मेरे साथ आइए, 1-on-1 करिए टेलीग्राम पे, हम क्वेश्चनिंग करेंगे, हम यहां पे पूरा देखेंगे कि कहां पर आपको प्रॉब्लम है, काफी सारे डाउट्स आते हैं, मैं उसको सॉल्व भी करता हूं, मैं उसको टेलीग्राम पे भी शेयर करता हूं। आज 2 क्लाइंट -5,000 से मैंने उनको +2,000 पे लेके आया, क्यों? क्योंकि बिकॉज यू नीड मेंटरशिप, अगर मेंटरशिप पसंद आती है वहां पे आइए, आपको और भी सर्विसेज है तो वहां पे प्रीमियम सर्विसेज भी है, आप आइए और हम आपके लिए बहुत जल्दी ये पूरा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ला रहे हैं, जहां पर मैं आपको पर्सनली 1-on-1 सिखाऊंगा, सिर्फ 10 बैच का स्टूडेंट रहता है, मैं ऑलरेडी 5 बैच टीच कर चुका हूं, तो ये हमारा 6th बैच यहां पर जाने वाला है, तो देखते हैं, स्टे ट्यून्ड, उसकी डेट हम बहुत जल्दी फाइनलाइज करेंगे, एंड फीस भी काफी मिनिमल रहेगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज के लिए थैंक यू।